नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं नीता, आज आप लोग को रेहू मछली दही से कैसे बनाएंगे वो आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग अंत तक रहे और देखे मेरे साथ, चलिए मेरे साथ कि हम कैसे बना रहे हैं। तो मछली फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाले, तेल गर्म हो गया है, देख रहे हैं। और हम यहाँ 600 ग्राम रेहू मछली लिए, अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं। अब हल्का करके हम इसको फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब हल्का करके हम फ्राई करके तो इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्चा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया, जीरा और अदरक, ये सारा जो हम दही में इसको मिला के अभी 10 मिनट पहले हमने रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने चॉप किए हैं प्याज है 2, टमाटर है 1 बड़ा सा, लहसुन है, लहसुन को भी 5-6 कली को ये करके रखे, मिर्चा को कट के और 4-5 मिर्चा कटिंग है। अब देखिए इसमें कैसे हम डालेंगे मछली, मेरा फ्राई, देखिए मछली मेरा फ्राई हो गया है। मछली को हम उतार देंगे, ठीक है। मछली मेरा फ्राई हो गया, मछली को हम उतार, देखिए मछली फ्राई हो गया। अब उसी तेल में, तेल हम दिए नहीं है, उसी तेल में हमने जीरा डाल दिए हैं। अब हम इसमें एक एक करके प्याज को जो कैसे छोटा छोटा कटिंग करके जो वो डाल दे रहे हैं, टमाटर डाल दे रहे हैं, ठीक है। सारा जितना मेरा ये है धीरे धीरे हम इसमें डाल के लहसुन डाल दे रहे हैं। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें 3 चीज मिलाएं, टमाटर, प्याज और लहसुन। दोस्तों कितना अच्छा मेरा प्याज वगैरह फ्राई हो गया। अब इसमें हमने जो चॉप किए हुए प्याज को डाल दे रहे हैं, जितना प्याज है। अब प्याज को डालकर 1 सेकंड के लिए इसको अब हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। एक सेकंड के लिए थोड़ा फ्राई करेंगे। अब हो गया दोस्तों मेरा ये फ्राई। अब जो मसाला को जो हम ये करके रखे थे 1 घंटा पहले, सारा मसाला को दही में, अब इस मसाला को हम इसमें डाल दे रहे हैं। और जो हल्का सा जो इसका पानी है वो थोड़ा सा इसमें डालकर फिर इसको हम मसाला को कुछ देर के लिए फ्राई होने के लिए ढक देते हैं। दोस्तों लीड हटाकर देख रहे हैं, हाँ देखिए कितना अच्छा, देख रहे कितना अच्छा। अब इसमें 1 चम्मच हम नमक लिए थे, उसमें थोड़ा नमक मिलाए थे मछली फ्राई करने में और इसको डाल दे रहे, और 1 छोटा सा टेबल स्पून चीनी डाल दे रहे इसमें, क्योंकि दही डाले हैं ना इसलिए इसमें। अब इसमें ये थोड़ा सा छोटा सी ग्लास ये है कटोरी है, इस कटोरी से पानी डाल दिए, बस 100 ग्राम ऐसा पानी डाल दिए। अब इसको ढक्कन लगा के इसको उबाल होने के लिए देंगे। दोस्तों लीड हटा था, देखिए कितना अच्छा हो गया। अब इसमें हम जितने फिश को फ्राई किए थे उसको हम डाल दे रहे हैं ग्रेवी में, डाल ग्रेवी। आप चाहे तो आप रस्सा को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से हमने धनिया पत्ता थोड़ा सा गार्निश के लिए और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला देकर 5 मिनट के लिए खोल, थोड़ा सा इसमें रस्सा चीज के अंदर हो जाए और लीड हटा के देखिए कितना अच्छा मेरा एकदम रस भी एकदम ग्रेवी में कितना अच्छा हो गया ग्रेवी, देख रहे हैं। अब हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं, तैयार हो गया मेरा रेहू मछली। दोस्तों मेरा दही रेहू मछली का ग्रेवी आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगे तो आप लोग घर में बनाइए, ये फ्राइड राइस, परोठा या किसी भी चीज़ से आप खा सकते, गरम गरम भात से बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।